अज हवा प्रदूषण को लैके सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई हुई, जिस दे विच अज दिल्ली सरकार बुरी तरह दे नाल घिरदी हुई नज़र आई, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिहड़ा हलफनामा दाखिल किया सी उस च कहा सी कि सिर्फ 4% हिस्सा ही पराली दा इस प्रदूषण दे विच। इस करके श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने दिल्ली सरकार के उत्ते सवाल खड़े किए, कहा कि अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा उजागर हो गया। उन्होंने कहा कि कदे तुसी पंजाब के किसानों को बदनाम करते हो, कदे थर्मल प्लांट नू, ते कदे SYL के खिलाफ बोलते हो, तो पंजाब चाहे तुसी पंजाब हितैषी होने का सिर्फ ड्रामा कर दे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपनियां नाकामियां लुकाउण लई किसानां सिर ही प्रदूषण का ठीकरा मरदी रही, तो तुसी 4% हिस्सेदारी लई किसानां नू तां बदनाम करते रहे, पर बाकी 96% प्रदूषण दे बारे चुप क्यों? केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे विच पराली की वजह नाल सिर्फ 4% हवा प्रदूषित होने की गल मन्नी सी। सुप्रीम कोर्ट च खुली दिल्ली सरकार दी पोल, प्रदूषण दे लई कौन किन्ना जिम्मेवार? केंद्र सरकार ने पेश कीती रिपोर्ट, पंजाब सरकार तो भी तलब होया जवाब। पंजाब दे किसानां नूं दिल्ली दे प्रदूषण दे लई जिम्मेवार दसन वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दी सरकार दियां सारियां दलीलां सुप्रीम कोर्ट च ढेर हो गईयां। केंद्र सरकार वालों पेश कीती गई रिपोर्ट च यह साफ हो गया कि दिल्ली दे प्रदूषण च कौन किन्ना भागीदार है। ट्रिब्यूनल दे इस चार्ट तो साफ हो गया कि दिल्ली दी हवा नूं जहरीला अते धुंधला करन दे लई पराली सिर्फ 4% ही जिम्मेवार है। ते इस दे नाल ही केंद्र सरकार दे वकील वल्लों यह टिप्पणी भी की गई कि दिल्ली दे प्रदूषण दे लई किसानां नूं बेवजह बदनाम किया जा रहा है, जबकि दिल्ली दी हवा दा असली दुश्मन इंडस्ट्री अते ट्रांसपोर्ट है। इस तों बाद जद वारी आई दिल्ली सरकार दे जवाब देण दी, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਆਜ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਏ ਗਏ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਏ ਗਏ ਹੈ, दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए हैं, तो वो सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश सभी मिल करके जब NCR में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 10% पराली से प्रदूषण होता है, कोर्ट ने कहा 4% प्रदूषण होता है, आप लोग पूरा ठीकरा एक तरह से पराली पे फोड़ते हैं? नहीं, मसला ठीकरा का नहीं है। देखिए, मैं यही बात कहता हूँ कि जब कोई कोर्ट ने कहा 4%, किसी ने कहा 10%, कब का है वो? केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की एजेंसी तो इसको मापती नहीं है। सफ़र का ही आंकड़ा आता है सबके पास, चाहे कोर्ट के पास गया हो, चाहे दिल्ली सरकार के पास हो, चाहे मीडिया के पास हो, चाहे लोगों के पास हो। अगर पिछले 10 दिन का आंकड़ा, अगर अक्टूबर की आप बात करेंगे तो अक्टूबर में पराली का तो परसेंटेज 4% ही होगा। अगर पोल्यूशन की बात करेंगे तो अक्टूबर का महीना पिछले 5 साल में सबसे बेहतर रहा है, लेकिन दिवाली के बाद का क्या सिचुएशन है? दिवाली के समय से जब से पराली जलनी शुरू हुई है, तो मेरे पास, मैं आंकड़ा नहीं जनरेट करता, सफर का ही डेली आंकड़ा आता है। सफर ने कहा कि भाई 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो पिछले 10 दिन में जब सीवियर कंडीशन बनी हुई है, इस दौरान पराली के पोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। दिल्ली सरकार वालों दिल्ली च प्रदूषण रोकने के लिए केड़े कदम चुके जा रहे हैं उसका भी ब्यौरा दिता गया, पर कोर्ट ने उसनु महज बहानेबाजी करार दिता अते क्या कि अजिहे कमजोर बहाने सानू मजबूर करनगे। दिल्ली सरकार वालों अपनी वाहवाही करवाउण दे लई दित्ते जा रहे इश्तिहारां दे खर्चियां दा ऑडिट करवाउण दे लई अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत चीमा ने इस ते टिप्पणी करदिआं कहा कि अरविंद केजरीवाल का भांडा हुण भन्निआ गया।
केजरीवाल का भांडा भज गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पराली की पोल्यूशन 4% है, तो केजरीवाल साहब भी सरकार को पूछा कि दसो बाकी काम तुसी की कर रहे, अपना काम करना नहीं सारी उम्र, तो झूठे दोष ला के दूजिया नूं ते अपना काम सारी जाण। इस करके मैं समझदा कि अज पूरी तरह के नाल केजरीवाल जिहड़ा उस सुप्रीम कोर्ट के विच एक्सपोज हो गया। केजरीवाल का डबल फेस है, दुगला पन है, पंजाब च आना तो हिर जटाउणा, दिल्ली जाना तो किसानों की मुखालफत करनी, कभी थर्मल प्लांट बंद करने वास्ते पटीशन कर देनी, कभी SVL के खिलाफ साढ़े पटीशन फाइल कर देनी, कभी पराली का दोष किसानों के उत्ते मड़ के सारी पोल्यूशन की समस्या का दोषी ठहरा देना। तो जो पंजाब च आना उदो बड़ा बगला भगत बन के ते पंजाबियों के हित की गल करनी। सो ये चीज़ा हुण हौली हौली खुलनिया शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं भी झाड़ पाई है। कोर्ट ने सवाल पूछे कि पंजाब सरकार पराली साड़न वाले किसानों से जुर्माने तो ला रही है, पर की उन्होंने पराली ना साड़न से मुआवजा और उसके बदल मुहैया करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार नूं किसानों नूं 2 हफ्तों तक पराली ना साड़न लई समझाउण दा भी हुक्म दिता है। इस दे नाल ही मंगलवार नूं केंद्र सरकार नूं एक हंगामी मीटिंग सदन का हुक्म सुनाया गया, जिस च पंजाब हरियाणा और यूपी के सकत्तरां नूं शामिल होने का आदेश दिता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।